दोस्तों स्वागत है फिर से और एक नया वीडियो में। ये है भाई आपका सामने ऑल न्यू 2023 मॉडल सुजुकी का एस्प्रेसो जो आपका सामने रखा हुआ है भाई। ये इसको मैं मतलब मिनी एसयूवी कार मैं कहता हूँ इसको। आपका सामने देख पा रहे हो इसका कुछ फ्रंट लुक, इसका काफ़ी आपको बढ़िया टाइप का आपको एसयूवी गाड़ियों का जैसा ही मतलब इसका सामने का शेप और गाड़ी का भाई कुछ ग्राउंड क्लियरेंस और गाड़ी का जो मतलब हाइट है ना काफ़ी मतलब ज़बरदस्त। छोटा गाड़ियों में ऐसा और कोई नहीं देखने को मिलता है। इसका सामने की हेडलाइट हेलोजन में आपको देखने को मिल रहा है, टर्न इंडिकेटर कुछ इस हिसाब से मिल रहा है, और यह जो आपका फ्रंट का ग्रिल भाई कुछ इस हिसाब से आपको सामने का जो गाड़ी का शेप है काफ़ी प्यारा लगता है देखने में। सुजुकी का लोगो बीच में क्रोम में आपको कुछ इस हिसाब से देखने को मिलता है। इसका काफ़ी ज़बरदस्त हिसाब से इसका सामने का लुक अच्छा ही लगता है देखने में भाई। छोटा गाड़ी होने का बावजूद इसका जो शेप दिया गया है मतलब एसयूवी गाड़ी का जैसा ही आपको देखने को मिलता है इस वजह से। यह है कुछ इसका सामने का वाटर फ्लासर और यह है कुछ दोनों वाइपर गाड़ी का सामने में देखने को मिलता है कुछ इस हिसाब से आपको। इसका अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात छोड़ के एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 4,26,000 से लेकर 6 लाख तक इसका ऑन रोड प्राइस जाता है भाई हमारा। यह है एस्प्रेसो की साइड प्रोफाइल भाई कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलता है। देख पा रहे हो कितना गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी मतलब हैवी हैवी टाइप गाड़ी का शेप देखने को मिलता है आपको। और इस सेगमेंट में और ऐसा कोई दूसरा कार कोई भी ब्रांड में जाओ या सुजुकी में जाओ आपको नहीं देखने को मिलता है। पहले चलते हैं गाड़ी का सामने में भाई देखने को मिलता है आपको सामने में यहाँ पे हेलोजिन में टर्न इंडिकेटर फेंडर पे यहाँ में आपको कुछ इस हिसाब से स्टील रिम देखने को मिलेगा। एस्प्रेसो में एलॉय वगैरह नहीं आता है भाई। यह है गाड़ी का कुछ 15 इंच का आपका स्टील रिम, यहाँ में आपको साइड मिरर कुछ इस हिसाब से बॉडी कलर देखने को मिलता है। और ये रहा कुछ इसका डोर हैंडल भाई सुजुकी का जो पुराना वाला स्टाइल में अभी भी देखने को मिलता है एस्प्रेसो में। और यह है गाड़ी का कुछ साइड से भाई ओवरव्यू आपको कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा भाई। देख पा रहे हो पूरा मतलब टॉप मॉडल का इसका प्राइस आपको 6 लाख पड़ेगा एक्स रूम। और यह है कुछ ऊपर में एंटेना लॉन्ग आपको देखने को। आज अभी चलेंगे भाई गाड़ी का रियर व्यू देखने के लिए। यह है कुछ गाड़ी का पीछे का हिस्सा भाई आपको कुछ इस हिसाब से देखने को मिलता है। और यह है गाड़ी का भाई ऊपर में हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने में आपको मिल रहा है कुछ इस हिसाब से। और यह है भाई गाड़ी का कुछ टेल लैम्प देख पा रहे हो, टेल लैम्प का शेप कुछ इस हिसाब से मिलता है आपको। और यह है आपका इंडिकेटर, यह है आपका कुछ बैकलाइट, और यह रहा आपका क्रोम में लिखा हुआ एस्प्रेसो। यहाँ में आपको बीच में क्रोम में लोगो देखने को मिल जाएगा सुजुकी का। और नीचे यहाँ में बम्पर में आपको दो रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है ब्लैक कलर में आपको प्लास्टिक पार्ट में देखने को मिलेगा जो बम्पर है। नीचे यहाँ में आपको कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा ये जो गाड़ी रिकवरी करने के लिए किट दिया जा रहा है। और यह है भाई गेट गाड़ी का कुछ ओवरऑल पीछे से लुक। ये रहा कुछ आपका गाड़ी का बोर्ड स्पेस देख लीजिए भाई। गाड़ी का डिगी काफ़ी डीप आपको मिलेगा, इसमें काफ़ी सारा सामान आपका आ जाएगा। पार्सल ट्रैक खोल के रखा हुआ है अभी देख पा रहे हो कुछ इस हिसाब से आपको डिगी का स्पेस देखने को मिलता है एस्प्रेसो का। गाड़ी भाई काफ़ी एसयूवी टाइप है इसीलिए काफ़ी डीप आपको। तो चलते हैं भाई गाड़ी का अंदर में अभी धीरे धीरे से अंदर जाके मैं आपको अंदर का क्या कुछ आपको फीचर्स है एस्प्रेसो में आपको मिलता है ये आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एस्प्रेसो का आपको कुछ डिफरेंट हिसाब से डैशबोर्ड और गाड़ी का मीटर वगैरह सारा कुछ देखने को मिलता है अलग गाड़ियों से। सुजुकी का जो भी गाड़ियाँ हैं सबसे अलग है इसका कुछ भाई फिट एंड फिनिश और डिज़ाइन सब कुछ। यहाँ में आपको स्पेस जो एक लॉन्ग देखने को मिलता है, काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाएगा आपका। यहाँ में आपको एक एयरबैग मिलता है, एसी वेंट कुछ इस हिसाब से मिलता है देखने को। ये रहा कुछ आपका ड्राइवर साइड में मिडिल का मतलब दोनों एसी वेंट, ये है ड्राइवर साइड का एसी वेंट आपको इसमें कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा। यहाँ में आपको फुल तरीके से मतलब टच स्क्रीन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है भाई। ये है कुछ आपका गाड़ी का मीटर आपको कुछ इस हिसाब से देखने को मिल रहा है देख पा रहे हो। और ये है कुछ टच स्क्रीन, यहाँ में आपको 4 इंडिकेटर का बटन, यहाँ में आपको साइड में दोनों साइड में पावर विंडो। और यह है कुछ आपका गाड़ी का स्टार्टिंग का, यहाँ में आपको फुल तरीके से मतलब डिजिटली आपको देखने को मिलेगा एस्प्रेसो में। मीटर सब कुछ आपको डिजिटल देखने को मिलता है एस्प्रेसो का मीटर। तो ये रहा कुछ आपका मीटर का भाई कुछ फिट एंड फिनिश वगैरह। और ये रहा कुछ यहाँ में आपको एसी का कंट्रोल वगैरह सारा कुछ मैनुअली मिल रहा है। यहाँ में आपको एक चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट का देखने को मिल जाएगा। यहाँ में आपको यूएसबी का एक लाइन भी देखने को मिल रहा है एसी का कंट्रोल यहाँ में। और ये रहा कुछ आपका यहाँ का छोटा सा एक स्पेस, यहाँ में आपको 2 कप होल्डर मिलेगा देखने को। 5 स्पीड मैनुअल गियर लीवर आपको कुछ इस हिसाब से देखने को मिलता है। और यह है कुछ आपका गाड़ी का डोर में भाई फंक्शन वगैरह क्या कुछ है देख पा रहे हो। यहाँ में आपको म्यूजिक सिस्टम और यहाँ में आपको कप होल्डर वगैरह, यहाँ में आपको ग्लोव बॉक्स कुछ इस हिसाब से मिल रहा है देखने को। गाड़ी का हिसाब से आपको ग्लोव बॉक्स मिल रहा है। यहाँ में आपको सनवाइजर, सनवाइजर में आपको लुकिंग ग्लास वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ में आपको एक लाइट मिल जाएगा, यहाँ में आपको एक हैंडल मिल रहा है। और ये रहा कुछ ड्राइवर साइड का सनवाइजर कुछ इस हिसाब से। और अभी देखते हैं भाई गाड़ी का कुछ यहाँ में क्या है। ये आपका बेसिकली जो बोनेट को ओपन करने के लिए दिया जा रहा है यहाँ में तीनों पेडल। और ये रहा ड्राइवर साइड का डोर में कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलता है।
और ये रहा रियर व्यू मिरर गाड़ी का। अभी भाई सीट का कंफर्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ में आपको फिटेड अमरेश अमरेश बोल रहा है एड्रेस मिल रहा है। यहाँ में आपको काफ़ी सॉफ्ट वाला ही आपको सीट मिल जा रहा है देखने में। और ये रहा कुछ आपका सीट बेल्ट का लॉक, यहाँ में आपको कुछ इस हिसाब से देखने को मिलता है स्टार्टिंग गाड़ी का। देख पा रहे हो कुछ इस हिसाब से आपको स्टार्टिंग का फिनिश। यहाँ में आपको म्यूजिक का कंट्रोल वगैरह यहाँ में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ में आपको फ़ोन का भी मिल जाएगा, वाइपर का, दोनों साइड में हेडलाइट का, इंडिकेटर का मिल रहा है देखने को। और यह है कुछ भाई स्टीयरिंग, आपको ये इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ये सब नहीं मिलता है एस्प्रेसो में भाई, आपको एकदम से मतलब फिटेड दिया जा रहा है स्टार्टिंग। यह है कुछ गाड़ी का स्टार्टिंग का ओवरऑल लुक। अभी चलेंगे गाड़ी का वक्त पीछे, तो चलेंगे भाई अंदर में पीछे का हिस्सा आपको दिखाने के लिए। ये यहाँ में आपको गाड़ी के कुछ एक्सेसरीज रखा हुआ है भाई सीट में, इसको अवॉइड कीजिएगा। तो पहले ही देखते हैं भाई पीछे का डोर में आपको क्या कुछ मिल रहा है। पीछे का डोर में आपको मैन्युअली विंडो को अप एंड डाउन करना पड़ेगा, आपको पावर विंडो पीछे नहीं मिलता है एस्प्रेसो में। कुछ इस हिसाब से आपको पीछे का सीट देखने को मिलेगा भाई, गाड़ी का हिसाब से आपको कुछ इस हिसाब से देखने को मिलता है पीछे का हिस्सा गाड़ी का डिगी पीछे का सीट से। और यहाँ में आपको एक हैंडल मिल रहा है जो फिटेड है। और यहाँ में आपको स्पेस मतलब अच्छा खासा ही मिल जाता है, लेग रूम आपको अच्छा खासा ही मिल जाएगा। यहाँ में आपको लॉक अनलॉक का बटन पावर विंडो का नहीं है पीछे। और यह है कुछ भाई गाड़ी का हैंडल पीछे पकड़ के बैठने के लिए, कुछ इस हिसाब से आपको मिलता है देखने को पीछे का हिस्सा। और ये है भाई गाड़ी का पूरा रिव्यू पीछे से, कुछ इस हिसाब से सामने का हिस्सा देखने को मिलता है, सामने का व्यू, डैशबोर्ड वगैरह और टच स्क्रीन वगैरह क्या कुछ देखने को मिल रहा है देख पा रहे हो। मैं एस्प्रेसो का हर एक चीज़ आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नया हो तो